मुंबई पुलिस आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जो है फाइल स्टेटस वो सबमिट करेगी और मुंबई पुलिस जो है ये सील्ड कवर में सबमिट करने वाली है। क्या है इसका मतलब, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया था कि आप जो है अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए, सील कवर में फाइल करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन ये मुंबई पुलिस ने अपना डिसीजन खुद लिया है। सील कवर में फाइल करने का मतलब होता है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस दे रही है वो पब्लिक डोमेन में लीक नहीं की जा सकती है। सबसे बड़ी सरप्राइज करने वाली बात यह है कि जब आपने FIR दर्ज नहीं की, आपके हिसाब से वो गुनाह ही नहीं है, तो वो क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है, सील कवर में जो है अपनी फाइल कर रही है अपनी स्टेटस रिपोर्ट को। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, साथ ही महाराष्ट्र सरकार का एफिडेविट भी उसके साथ है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने एफिडेविट में बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं, जाहिर सी बात है उनका ये कहना है कि गुनाह जो है वो मुंबई में हुआ है, तो बिहार में किस तरह से इसका FIR हो सकता है। पॉइंट नंबर 2 कि मुंबई पुलिस प्रोफेशनल वे में इसकी जांच कर रही है, इसलिए उनको क्या करने दी जाए। पॉइंट नंबर 3 कि CBI जो है वो इस जांच को कैसे ओवरटेक कर सकती है अगर ये अपराध महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र सरकार ने परमिशन ही नहीं दी। तो इस तरह से आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एफिडेविट वो रिप्लाई फाइल होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 3 दिन का समय दिया था, आज वो फाइल होगा। बिहार सरकार ने सुबह ही कर दिया, मैंने आपको सारी डिटेल दी। रिया ओवरडोज देती थी दवाई का, रिया ने 15 करोड़ रुपए, जो भी उनके पिता ने आरोप लिखे थे FIR में, वो सारे आरोप जो है बिहार सरकार ने भी लिखे हैं, और साथ में ये कहा है कि जो हमारी बिहार से SIT टीम गई थी उनको सारे प्रूफ मिले हैं। अब मुंबई पुलिस जो है सील कवर में रिपोर्ट सबमिट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने सील कवर के लिए नहीं कहा था, ये मुंबई पुलिस का अपना डिसीजन है, क्योंकि वो चाहती है कि ये रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन में ना आए, और साथ ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एफिडेविट इसके साथ अटैच है। इसको लेकर अगर कोई और भी खबर आती है तो हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे।